प्रश्न है, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। यदि n क्रॉस n में कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि a कॉमा b रिलेटेड टू है c कॉमा d, किस प्रकार से परिभाषित है, a प्लस d बराबर है b प्लस c, जहां a b c d बिलोंग्स टू n है, अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्य संबंध है। कोई संबंध तुल्य कब होता है, जबकि वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। यदि तीनों उसकी जांचों में हम पाते हैं कि संबंध इस तीनों प्रकार का है तो संबंध तुल्य संबंध होगा। अब हम पहले देखते हैं स्वतुल्यता के लिए, तो स्वतुल्यता की जांच करते हैं। स्वतुल्यता की जांच में हमें अवयव का स्वयं से ही संबंध देखना होता है, अर्थात कोई अवयव यदि ए है तो हमें ए रिलेटेड टू ए ये देखना है। अब यहां हमें संबंध इस प्रकार से दे रखा है कि ए बी रिलेटेड टू है सी डी, तो हमें किसकी जांच करनी है कि ए कॉमा बी रिलेटेड होना चाहिए ए कॉमा बी से, ये इस प्रकार से होना चाहिए। अब इससे क्या अभिप्राय हुआ, इससे अभिप्राय हुआ कि दिस इंप्लाइज ए प्लस डी, अर्थात पहला और हमें तीसरा चौथा अवयव लेना है, तो यहां तो हो गया ये a प्लस बी और यहां होगा अब b प्लस सी है, तो मध्य के पदों को जोड़ना है, ये हो गया b प्लस ए के बराबर। अब क्योंकि क्रम विनिमय का नियम समुच्चय n में लागू होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, इसलिए दोनों समान हैं, तो संबंध जो हमारा r है वो स्वतुल्य है। हमने क्या पाया, R स्वतुल्य है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सममितता की जांच। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखेंगे, यदि A रिलेटेड टू B है तो दिस इंप्लाइज कि B रिलेटेड टू A होना चाहिए, जो A का संबंध B से है वही संबंध B का A से होना चाहिए, प्रत्येक अवयव AB के लिए। अब यहां देखते हैं AB का जो संबंध CD से है, तो AB का संबंध रिलेटेड टू CD है वो किसके बराबर होना चाहिए, CD का जो संबंध है वो AB से, ऐसा होना चाहिए। अब हम जिस प्रकार से संबंध परिभाषित है उसको नोट करके देखते हैं, तो यहां हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलता है, यहां मिलता है A प्लस डी बराबर है b प्लस सी के, इस प्रकार से मिलता है। यहां पर देखें राइट हैंड साइड में पहले और चौथे को जोड़ना है, तो c प्लस बी बराबर है d प्लस ए के, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में हमें सही, दोनों में हमें समान चीजें मिल रही हैं, समान बात मिल रही है, तो इसलिए R सममित है, R संबंध जो है वो सममित है। अब हम देखते हैं संक्रमकता के लिए, संक्रमकता की जांच करते हैं। यहां जांच करने का हमारा तरीका क्या होता है कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C इंप्लाइज कि A रिलेटेड टू C, तो यहां A रिलेटेड टू B से अभिप्राय क्या है कि A कॉमा B रिलेटेड है C कॉमा D से, और C कॉमा D रिलेटेड है मान लिया E कॉमा F से, तो हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, हमें प्राप्त करना चाहिए कि A कॉमा B रिलेटेड होना चाहिए ई कॉमा एफ से। यदि ये हमारे को मिल जाता है कि सत्य है तो हमारा संबंध जो है वो संक्रमक संबंध होगा। अब इसको परिभाषा से लिख लेते हैं कि इससे क्या अभिप्राय है, दिस इंप्लाइज कि ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के, इस प्रकार से परिभाषित है। यहां ये किस प्रकार से परिभाषित है, सी प्लस एफ बराबर है डी प्लस ई के, इस प्रकार से परिभाषित है।
और ये यदि सिद्ध होता है तो क्या अभिप्राय होगा, a प्लस एफ बराबर होना चाहिए b प्लस ई के। ये यदि हम सिद्ध कर देते हैं तो हमारा संबंध संक्रमक संबंध होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो जोड़ने से हमें क्या मिलता है, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ किसके बराबर है, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई के, ऐसा मिलता है। तो यहां देखो c दोनों पक्षों में है कैंसिल हो गया, d दोनों पक्षों में है कैंसिल हो गया, अर्थात हम क्या पाते हैं a प्लस एफ बराबर है b प्लस ई के। तो हम ये संबंध पा रहे हैं कि a प्लस एफ b प्लस ई के बराबर है, अर्थात जो संबंध है वो संक्रमक संबंध है। तो संबंध जो है वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। तो यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होता है तो वो संबंध एक तुल्य संबंध होता है। तो इसलिए इधर लिख लेते हैं, इसलिए R एक तुल्य संबंध, इति सिद्ध। उदाहरण आठ, माना x बराबर है x1, x2, x3, x4, x पर तीन संबंध r1, r2, r3 निम्न प्रकार से परिभाषित हैं। r1, r2, r3 इस प्रकार से परिभाषित हैं। हमें ज्ञात करना है कि संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है और संक्रमक है कि नहीं है। तो हमें इनकी जांच करनी है। अब हम पहले प्रश्न में लेते हैं, r1 को देखते हैं। तो देखो x1 का रिलेशन है x1 से, यहां x2 का रिलेशन है x2, x3 का रिलेशन है x3 से, परंतु x4 का रिलेशन x4 से नहीं दे रखा है। तो चूंकि x4 कॉमा x4 डज नॉट बिलोंग टू r1, इसलिए संबंध, इसलिए r1 स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममितता को देखते हैं। तो देखो यहां हम क्या पाते हैं कि x2 x3 से रिलेटेड है तो x3 x2 से रिलेटेड है, अर्थात सममित है, r1 सममित है। जो संबंध x2 का x3 से है वही संबंध x3 का x2 से है। संक्रमकता के लिए हम देखते हैं कि यदि a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है तो दिस इंप्लाइज a रिलेटेड टू c होना चाहिए। अब यहां हमें x1 का रिलेशन x2 के साथ नहीं दे रखा, परंतु x2 रिलेटेड टू x3 है और x3 रिलेटेड टू x2 है। तो हम इसकी यहां दिए गए इसमें जो हमें संबंध परिभाषित है उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो यहां जो पहला संबंध R1 है वो स्वतुल्य तो नहीं है और R1 सममित है, हम इतना कह सकते हैं। अब हम R2 को देखते हैं। R2 में देखो X1 X2 से रिलेटेड है, X2 X2 से है, X3 X3 से है और X4 X4 से है, अर्थात संबंध स्वतुल्य है। तो R2 की स्थिति देखते हैं, यहां स्वतुल्य तो है, संबंध स्वतुल्य है, अवयव स्वयं से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखें सममितता के लिए, तो सममितता में देखो x2 x3 से है परंतु x3 यहां x2 से संबंधित नहीं दे रखा है। तो ये चूंकि x2 रिलेटेड टू x3 है परंतु दिस डज नॉट इंप्लाई कि x3 रिलेटेड टू x2 है, यहां पर संबंध ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो संबंध है वो सममित नहीं है। पुनः अब हम देखते हैं संक्रमकता के लिए। तो संक्रमकता के लिए a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c इंप्लाइज a रिलेटेड टू c होना चाहिए। तो चूंकि x2 x3 से रिलेटेड है और x3 x4 से रिलेटेड है,
तो यहां जो x2 है वो x4 से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो ये यहां पर है, तीनों बातें लिखी हुई है, इसलिए फलन जो संबंध है वो एक संक्रमक संबंध है। तो R2 संक्रमक है, यहां हम क्या बताते हैं R2 स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रमक है। अब हम R3 में देखते हैं, X1 रिलेटेड टू X1 है, स्वयं का स्वयं से देख रहे हैं हम, पहले स्वतुल्यता के लिए देख रहे हैं। X2 X2 से है, X3 X3 से है और X4 X4 से है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वतुल्य है। R3 स्वतुल्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम सममितता के लिए, सममितता में X2 X3 से है तो X3 X4 से है और X3 X4 से है, ये X3 X2 से है ऐसा लिखा हुआ होगा, तो X2 हमने इसको करेक्ट कर दिया है, X2 है यहां पे, तो X2 X3 से रिलेटेड है, इंप्लाइज X3 X2 से है, सममितता को दर्शा रहा है। X3 X4 से है, दिस इंप्लाइज X4 X3 से, अर्थात जो संबंध है वो एक सममित संबंध है, तो R3 सममित है। अब हम इसमें संक्रमकता देखते हैं, तो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C इंप्लाइज A रिलेटेड टू C होना चाहिए। यहां देखो X2 X3 से है, अब यदि X3 X4 से है तो क्या होना चाहिए, ये रिलेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि X2 X3 से है और X3 X4 से है, तो यहां क्या हमें मिलना चाहिए कि X2 रिलेटेड टू होना चाहिए X4 के, परंतु यहां ऐसा कोई नहीं है, तो चूंकि यहां X2 X4 डज नॉट बिलोंग टू R3, इसलिए संबंध जो है वो संक्रामक नहीं है, संबंध संक्रामक नहीं है।